इंटर कॉरिडोर बन रहा है, देवधर, बोकारो और जमशेदपुर में हवाई अड्डों का विकास और निर्माण हुआ है और सबका साथ सबका विकास के सूत्र के साथ बिरसा मुंडा के गांव में देश का प्रधानमंत्री पहली बार जाकर धरती आबा को प्रणाम करने का काम कर। जवाब तो आपको देना है। आयुष्मान भारत योजना झारखंड से मोदी जी ने लॉन्च की, देश भर के गरीबों का कल्याण करने वाली, रोजगार देने वाली मुद्रा योजना एक छोटे से झारखंड से मोदी जी ने लॉन्च की, और पीएम जनमन योजना जो सालों से पिछड़ी हुई आदिवासी आदिम जातियां थी इनके विकास की योजना भी बिरसा मुंडा से के गांव से मोदी जी ने लॉन्च करने का काम किया। आईआईएम का उद्घाटन रांची में हुआ, आईआईआईटी का उद्घाटन, इसकी आधारशिला रखी गई और बाबा बैद्यनाथ के धाम को प्रसाद योजना के तहत लेने का काम किया गया। 17 जिलों में विश्वकर्मा योजना से कौशल और वित्तीय मदद मिल रही है और ढेर सारे काम उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम थे। इसी तर्ज पर देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, शौचालय, 5 लाख का पूरा बीमा, गैस का सिलेंडर और 5 किलो तक अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं झारखंड की जनता को बताना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई एक राज्य है तो हमारा झारखंड है। झारखंड की 70% आबादी को ये सारे लाभ देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 5 साल तक जो हेमंत सोरेन सरकार चली, वो सरकार ने ढेर सारे ऐसे काम किए जिससे झारखंड की जनता आज उमता गई है। महिलाओं का अपमान, महिलाओं की दुर्दशा, इसके सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम हेमंत सोरेन सरकार ने किया है। झारखंड में नाबालिग लड़कियों की तस्करी, महिलाओं के अपहरण, इसमें पूरे देश में दूसरे स्थान पर आज झारखंड पाया जाता है। और 17 की तुलना में देखें, जब हमने सरकार छोड़ी, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 29% की वृद्धि हुई है और बलात्कार के मामलों में 42% की वृद्धि श्रीमान हेमंत सोरेन आपके कार्यकाल में हुई है। आप माताओं बहनों की सुरक्षा करने के लिए विफल गए हो। 50 लाख तक की महिलाओं की संपत्ति की रजिस्ट्री हमारी सरकार 1 रुपये में करती थी, आपने वो योजना भी बंद कर दी और हम फिर से वो योजना आज इंट्रोड्यूस करने चाह रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी, बाकी सारी चीजों का जवाब मत दीजिए, सिर्फ अंकिता हत्याकांड का जवाब दे दीजिएगा तो भी झारखंड की माताओं बहनों को मन में सुकून की प्राप्ति है। हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी, तीसरी शादी कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो, उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र, एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है, हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो, भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से, दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। हेमंत सोरेन, आप
झारखंड प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हूं। 5 लाख युवाओं को प्रति साल नौकरी देने का आपने वादा किया था, मैं आपसे लिस्ट मांगने आया हूं। जरा 25 लाख युवाओं तो छोड़ो, 5 लाख का भी लिस्ट आप घोषित कर दो। युवा आपको ढूंढ रहा है, चुनाव में मैदान में जाइए तो मालूम पड़ेगा कितना आक्रोशित है। मुझे ठीक याद है, मैं भी चुनाव के प्रचार में था, आपने कहा था सालाना 5 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दूंगा तो पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा छोड़िए, जेल में जाने के कारण पद छोड़ना पड़ा। चंपई सोरेन जी को हटाकर फिर से आप तो वापिस बैठ गए। युवाओं को किया हुआ वादा आपने नजरअंदाज किया है। ढेर सारे पेपर लीक हुए, 11th मैथ्स का पेपर लीक हो गया, डिप्लोमा का पेपर लीक हो गया, असिस्टेंट लैब के पेपर, टेक्नीशियन के पेपर लीक हो गए, नगर पालिका की भर्ती का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल का पेपर लीक हो गया और जेपीएससी का सामान्य भर्ती का पेपर भी लीक हो गया। जीएससी का 12वीं क्लास का फिजिक्स और बायोलॉजी का पेपर भी लीक हो गया। आपके संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने इस राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। मगर मैं आज कहकर जाता हूं झारखंड वासियों को कि ये पेपर लीक जितने हुए वो पास्ट हो गया, भाजपा सरकार बना दीजिए। पेपर लीक करने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे और एक पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैंने जैसे कहा ऐसे घुसपैठियों को आपने पनाह दी है। घुसपैठियों में आपको अपनी वोट बैंक दिखाई पड़ती, आप आपकी धुन में मस्त हो। इस राज्य में आदिवासियों की संख्या घुसपैठ के कारण घट रही है, डायमोग्राफी बदल रही है और न्यायालय जब आपको गुहार करता है तब भी आप डिनायल मोड में आ जाते हो। मैं आज झारखंड की जनता को कहना चाहता हूं, ये तुष्टिकरण की राजनीति को बंद कर सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी और परिंदा भी पैर न मार पाए इस तरह की हम सीमा की रचना करेंगे। आज हेमंत जी यहां बैठे हैं, असम में भाजपा सरकार आई, आज असम से घुसपैठ बंद हो गई है। कोई हिम्मत नहीं करता कि असम से घुसपैठ करने की। हम रोटी बेटी और माटी तीनों का संरक्षण करने का काम करेंगे। झारखंड सरकार ने तुष्टिकरण की अति कर दी है। लोहरदगा में कावड़ियों पर हमला होता है, रामनवमी के जुलूस में कीर्तन भजन गाने पर प्रतिबंध रख दिया जाता है, सिंहभूम में बड़े पैमाने पर रामनवमी के जुलूस पर पथराव होता है, साहिबगंज में मंदिरों को नुकसान पहुंचाया पड़ता जाता है और जमशेदपुर में हिंसक नारे लगाकर हिंदू झारखंड छोड़ो के नारे लगते हैं। शर्म आना चाहिए आपको, आपको शर्म आना चाहिए। मैं आज फिर से कहता हूं, यहां पर एक ऐसा कानून का राज होगा जिसमें इस प्रकार की हिमाकत करने वालों की जगह कानून के माध्यम से जेल की सलाखों के पीछे होगी। कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर